हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डोमिनो स्टाइल विद झींगी पार्सल की रेसिपी। इसे हम बिना ईस्ट का बनाने वाले हैं और इसे कढ़ाई में और ओवन में दोनों तरीकों से मैं आपको बना के दिखाऊंगी और दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 1/2 कप मैंने डाला है दही, अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो बिल्कुल 2 चम्मच के भर हम पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी मैंने डाला है और अब इसका एक सॉफ्ट सा आटा हमें तैयार करना है। तो इस टाइम पे 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है और ऑयल डाल के बस अब इसे अच्छे से मसलते हुए हमें आटे को गूंद लेना है। शुरुआत में आपको ये आटा थोड़ा चिपचिपा लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसे मसलेंगे ये अपने आप आटा ठीक हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल चिकना सा आटा तैयार है। हाथ में ऑयल लगा के इसे ग्रीस करके कवर करके इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, डाल देंगे 8 से 9 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है मैंने, इसे भी बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। हल्का सा गुलाबी पिंक पिंक सा हो जाए तब हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और अब इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गया है, मशी हो गया है, तो इसे अच्छे से इसे मैश करेंगे इस तरह से स्पैचुला से। और अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। स्टफिंग में आप कुछ भी अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून के लगभग हम डाल देंगे टोमेटो सॉस, आधा चम्मच सिजवान चटनी डाला है मैंने, स्वाद के अनुसार चिली फ्लेक्स डालें जितना तीखा आपको पसंद है, और साथ में मिक्स्ड हर्ब या ओरिगैनो जो भी आपके पास है, नहीं है तो फिर छोड़ सकते हैं। अब हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स एंड टर्न कर लेंगे। बस हमारी स्टफिंग तैयार है। अब आटे को भी रेस्ट मिल गया है, हाथ से इसे अच्छे से मसल लेंगे और एक छोटा सा पोर्शन लेके हम इसका लोइया बना लेंगे। सूखा आटा लगा के हमें इसका एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है। जितनी बड़ी भी आप झींगी पार्सल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रोटी बना ले। तीनों साइड में पानी लगा के इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह का ट्रायंगल शेप इसका आ चुका है। एक बार बेलन चला देंगे। अब इसमें डाला है थोड़ा सा मोजरेला चीज़ और उसके ऊपर डाल देंगे स्टफिंग जो हमने अभी तैयार किया है। आप चाहे तो पूरे स्टफिंग में भी चीज़ एक साथ मिला सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डालिएगा वरना बेक करते समय ये फट भी सकता है। तीनों कॉर्नर्स में हम पानी लगा देंगे और इस तरह से इसे सील कर देंगे। पर ध्यान रखिए कि सील आप अच्छे से करें, क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला है तो बेक करते वक्त ये हल्का सा फूलेगा, तो फूलते वक्त ये ऊपर से जो इसका सील किया हुआ है वो खुल भी सकता है, तो इसीलिए आप ऊपर से इसे अच्छे से सील करें। इसी तरह से एक और बनाकर दिखा दे रही हूँ मैं, पहले चीज़ और फिर स्टफिंग, और इस तरह से इसे फोल्ड करके कर देंगे। अब मैंने दूध में हल्का सा चीनी मिला के रखा था, इससे इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, मतलब दूध को इनके ऊपर लगा देंगे जिससे कि इसका काफ़ी अच्छा सा कलर आएगा। अब इन तीनों झींगी पार्सल्स को मैं कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। एक ग्रीस लगा हुआ प्लेट में इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम रख देंगे। तो यहाँ कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसे रख देंगे
कवर कर देंगे, जो लिड में होल है उसे भी हम बंद कर देंगे। तब तक बाकी पार्सल्स को भी मैंने बना लिया था, अब इनके ऊपर भी दूध और चीनी का जो मिश्रण है उसे लगा देते हैं। तो अब ये भी तैयार है अवन में जाने के लिए। अवन को मैंने 180 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे प्रीहीट कर लिया था। लो रैक पे इसे रखेंगे और टाइम सेट करेंगे 25 मिनट का। तो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप बीच में इसे चेक कर लिया करें। तो यहाँ कढ़ाई वाले पार्सल्स हो गए हैं, बिल्कुल 30 मिनट लगे थे इन्हें बेक होने के लिए। तो इसे ये नीचे से अच्छे से पक चुके हैं, बेक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर इसे हम बेक करेंगे तो ये नीचे से जल सकता है। इसे मैंने निकाल लिया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर। कोई भी बेक किया हुआ चीज़ पे अगर आप बटर लगाते हैं तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, उसमें एक ग्लेज आता है और साथ ही जो इसका ऊपर का जो क्रस्ट है वो भी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ 25 मिनट होने वाले हैं। मैंने बीच में एक बार खोल के चेक किया था कुछ कैसा रह गया था, तो पूरे 25 मिनट के बाद मैं ये देख खोल रही हूँ। तो इसके ऊपर भी बटर लगा देंगे। अब थोड़ा सा ऑर्गेनो या चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दें, या आप बेक होने के पहले भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारा होममेड जिंगी पार्सल, बिल्कुल डोमिनो स्टाइल का। अब ये देखिए, ये कढ़ाई में बेक हुए हैं, ये नीचे से बिल्कुल ही अच्छे से बेक हो चुके हैं, बिल्कुल अवन वाले की तरह। और ये अवन वाले हैं, ये भी अच्छे से बेक हो गए। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि अवन वाले में काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आया है और कढ़ाई वाले में हल्का सा कलर कम है, बस इतना ही डिफरेंस है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही अच्छे से पके हुए हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।